अल्हम्दुलिल्लाह आज से कुछ साल पहले जो है वो हमने ये आई कैम लगाने का सिलसिला शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के मुख्तलिफ मज़ाफ़ात में हम बस्तियों में लगाते हैं और अभी हमारा इरादा है इंशाल्लाह इंटीरियर सिंध में फिर एक दिन इरादा है कि पूरे पाकिस्तान में लगाएँ। हर वीकेंड पे सैटरडे संडे जो है वो हम आई कैंप लगाते हैं। वो ऑलमोस्ट एवरी मंथ जो है वो 8 के करीब जो है वो आई कैंप लगते हैं। तो अब आप देखें 8 आई कैंप पूरे महीने में लगाना और उसको अगर एवरेज करें तो 150 तो एवरेज लोग आते हैं उसके अंदर। तो 150 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 1200 के करीब एवरी मंथ लोगों का हम इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उनको चश्मे प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम ज़फ़र मशवानी है, मैं रहता हूँ पाक जमहूरिया कॉलोनी में। टोटल मेरे घर में हैं तकरीबन 16 अफराद, इसमें से कमाने वाले बच्चे हैं मेरे, कुछ ड्राइवरी करते हैं, कुछ जो काम करते हैं, 4 बच्चे काम करते हैं, 1 बच्चा पढ़ रहा है। मेरी आंखों में मसला है, थोड़ा पानी आता है इसमें, थोड़ा सा नज़र में थोड़ा सा मसला है। इलाज करवाया था मैंने तकरीबन 6 साल पहले, ऐसे ही कैंप लगा था, उन्होंने चेक किया था, थोड़ा उसमें से थोड़ा सही हो गया था। मेरी आँख में तकरीबन 10 साल हो गए होंगे। पहले मैंने इसका ऑपरेशन कराया था, 2 मरतबा सही हो गई थी माशाल्लाह। मैंने वजन उठाया, मैंने थोड़ा लापरवाही कर ली थी मुझसे, वजन जो मैंने वजन जो उठाया उसमें दोबारा गड़बड़ हो गई। अनिश जी की हाँ इसमें जो ना लेयर आती है, 1 महीने से लेयर आ रही है। जिनके ऑपरेशन की ज़रूरत होती है उनके ऑपरेशन करवाते हैं। और ये जो कैटरिंग का ऑपरेशन है ये कोई बहुत बड़ा बिग डील नहीं है, तकरीबन ऑलमोस्ट इसके ऊपर जो खर्चा आता है 8-10 हज़ार रुपये का आता है। तो और उस ऑपरेशन से बहुत सारे मसाइल जो हल हो जाते हैं। आम तौर पर ये जो आँखों की जो बीमारी होती है उसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहली तो जो है वो पोल्यूशन है, जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगी वहाँ पे आँखों की बीमारियाँ ज़्यादा होंगी। और पाकिस्तान और स्पेशली कराची जो है वो दुनिया के अंदर मैं अगर ये कहूँ बुरा लगता है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन पहले 5 नंबरों में कराची आता है, जहाँ पर लाहौर और कराची जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से आँखों की प्रॉब्लम होती है। फिर जो है वाटर बोन डिजीज़ में से ये शामिल है कि पानी साफ ना पीने की वजह से भी आँखों पे अफेक्ट होता है। फिर उसके बाद जो है पैदाइशी जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके साथ छोटे से कोई इश्यूज होते हैं,
अगर उनको सही वक्त पे ट्रीट ना किया जाए तो वो फिर आगे जाके वो नाबीना भी हो जाते हैं। और ज़्यादातर लोगों के साथ जब बुढ़ापे में प्रॉब्लम होती है, ओवर 50 होते हैं, तो उसकी वजह यही होती है कि बचपन में उस बीमारी को डायग्नोस नहीं किया गया होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कर रहे हैं कि भाई लोगों को एक तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि भाई अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो कि भाई ये कितनी अहम चीज़ है। क्योंकि अगर आँखें ठीक नहीं हो तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आँखें आप देखें, मेरी आँखें बंद हो तो ना मैं चल सकता हूँ, ना देख सकता हूँ, ना कुछ काम कर सकता हूँ। तो ये छोटे छोटे से इश्यूज होते हैं, अगर हम इनको शुरू में ही टैकल कर लें तो उससे बहुत बड़े मसाइल से बचा जा सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुर्बत होने की वजह से और अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग जो है वो अपना, उनको इतना इल्म नहीं है कि भाई ये बड़ी अहम चीज़ है। तो एक तो दो काम हो रहे हैं, एक ये कि अवेयरनेस क्रिएट होती है तो लोगों को पता चलता है कि ये भी एक बीमारी है, और दूसरा ये कि उनका इलाज करवाया जाता है। तो ये माशाल्लाह ये सारा पॉसिबल है अल्लाह के फजल से, हमारे डोनर्स से, सपोर्टर्स से। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है मैंने कभी भी पाकिस्तान के रहने वाले जो लोग हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, आज तक कभी उनसे किसी किस्म के डोनेशन का मुतालबा नहीं किया। और हम किसी से डोनेशन का मुतालबा नहीं करते, हम काम करते हैं, और काम से अल्लाह ताला फिर जो ओवरसीज़ हमारे जो यूके के जो मेरे ख़ास तौर पे जो मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, फ़ैन हैं, वो इस कॉज को सपोर्ट करते हैं। जो आ रहा है अल्लाह की तरफ से वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको डिस्प्यूट करें। अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो खैरुन्नास मायनफुन्नास, जो लोगों के साथ बेहतर हो। अल्लाह ताला किस कुछ लोगों को नवाज़ देता है, अल्लाह ने जैसे मुझे नवाज़ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करूं, कंफर्ट जोन में रहूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्ट जोन के साथ साथ जो है आवाम में भी रहें और उनको देखेंगे वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, ताकि हमें शुक्र का जज्बा पैदा हो और हम अपने मुसलमान भाई इंसानों की खिदमत करें। आज मेरे गाँव में मोहल्ले में लगा ये कैंप, तो मैं यहाँ दिखाने आया हूँ। बेहतरीन काम हो रहा है, घर के करीब हो रहा है, अस्पतालों में ढक्के खाने पड़ रहे हैं, यहाँ पर बड़ी इज्जत दी जा रही है, बड़ी अच्छी तरह तरीके से देखा जा रहा है। उम्मा चढ़े की तो मैं शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने हमारे मोहल्ले में कैंप लगा के बहुत अच्छा काम किया और गरीब लोगों को हौसला दिलाया। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सहूलतें हैं, चश्मे भी दे रहे हैं और आंखों का ऑपरेशन भी किया जा रहा है और आंखों का इलाज भी किया जा रहा है, दवाई भी दी जा रही है। कैंप जो लगा है बहुत माशाल्लाह इलाके के लोगों के लिए बहुत आसानी हुई है, और अल्लाह ताला आप लोगों को और हिम्मत दें जिन्होंने कैंप लगाए उमर चर्टी ने, और अल्लाह करे कि जगह जगह ये कैंप लगाएँ। डॉक्टर ने मुझे चश्मा दिया भाई ने, उन्होंने चश्मा लगा कर बोली थी कि उम्मा वालों को बहुत बहुत शुक्रिया जिसने जो इतना काम कर रहे हैं, माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर अब्दुल वाहब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल जान से शुक्रिया अदा करता हूँ, माशाल्लाह इसने ये कदम उठाया, बहुत अच्छा लगा। This Ramadan, donate to save a life.